काणम काणेति ब्रूयात। हाँ, इसमें निंदा नहीं है, आक्षेप शब्द है। कोई आदमी काना हो तो उसको काना कहकर नहीं पुकारना चाहिए, लंगड़े को लंगड़ा कहके नहीं पुकारना चाहिए, विद्याहीन को मूर्ख कहके नहीं पुकारना चाहिए, आक्षेप ऐसे लोगों पर नहीं करना चाहिए। और चांदाल को चांदाल कहकर डोम कहकर नहीं पुकारना चाहिए। तो बुड्ढे को बुड्ढा कहकर भी नहीं पुकारना चाहिए। सबके भीतर भगवान है। तो आक्षेप करना दूसरी बात है और निंदा करना दूसरी बात है। तो असल में तो अपनी दृष्टि सार्वजनिक मानव मात्र के प्रति उदार होनी चाहिए। ये नहीं है कि अमेरिका भी वृंदावन बन जाए और लंदन भी वृंदावन बन जाए और तिब्बत भी वृंदावन बन जाए, चाइना भी वृंदावन बन जाए। जहां के लोग जैसे हैं उस रूप में ही उनके प्रति आदर भाव रखना चाहिए। और हम अपने बाप के अनुसार है नहीं, हम अपने बाप जैसे नहीं हैं, हमारे बेटे हमारे जैसे नहीं हैं, उनके बेटे उनके जैसे नहीं होंगे। तो ये जो समय और परिस्थिति के अनुसार और देश विदेश के अनुसार जो कुछ है उसको सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। नारायण अन्न हो तो सबके लिए, नारायण दूध हो तो सबके लिए, घी हो तो सबके लिए, सुख सुविधा हो तो सबके लिए, जहां जो है वो वहीं सुखी रहे। जब हम अपनी भावना दूसरे पर लादना चाहते हैं तो उसमें ये नहीं है कि हमारी भावना श्रेष्ठ है इसलिए सब उसको माने। अपने बड़प्पन का अभिमान भी होता है जो दूसरे पर छा जाना चाहता है। इसलिए दृष्टि सर्वथा मानव मात्र के कल्याण के लिए होनी चाहिए और निंदा तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए। और अपनी निंदा स्तुति को समान समझना चाहिए। दूसरे बुरे हैं और मैं अच्छा हूं, ये कोई अच्छा भाव नहीं। अच्छा, दूसरे भी बुरे हैं और मैं भी बुरा हूं, तो दूसरे बुरे हैं मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं दूसरे अच्छे हैं और सब अच्छे हैं और सब भगवान का स्वरूप है। जितनी जितनी आपकी बुद्धि भगवान के निकट पहुंचती जाएगी उतने ही उतना सब में भगवान की सत्ता, भगवान का ज्ञान, भगवान का आनंद दिखता रहेगा। और आपको बहुत आनंद आवेगा जब मछली के रूप में भगवान को जल में तैरते देखेंगे और कछुए के रूप में भगवान को बालू पर शांत बैठे देखेंगे या टहलते हुए देखेंगे, सूकर के रूप में स्वच्छता करते हुए देखेंगे, सिंह के रूप में सौर्य वीर्य का अनुसंधान करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपका हृदय पवित्र रहता है। और साधना का अर्थ अपने हृदय को पवित्र करना है, दूसरे को अपवित्र समझकर उसकी पवित्रता का प्रयास करना साधन नहीं है।
अपने हृदय को पवित्र करना यही साधन है। हमारे बारे में किसने क्या कहा, मैंने उसके बारे में क्या कहा, ये न सोचकर देखो कहीं आप अपने को उदार और दूसरे को कंजूस तो नहीं समझ रहे हैं, अपने को अच्छा और दूसरे को बुरा तो नहीं समझ रहे हैं, कुछ कहीं भी मलिनता पर दृष्टि जाने से अपनी दृष्टि मलिन हो जाती है। इसलिए सर्वथा अपने मन में भगवत भाव ही रहना चाहिए। ओम शांति शांति।